तलहटी बसे गांव कंडेर से एक युवती अपने परिश्रम के बल पर राज्य व जिला स्तर पर कई पदक जीतने में कामयाबी पाई है। आइए मैं उनसे मिलाते हूं और उन जानता हूं उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। पहाड़ों की तलहटी में बसे कंडेर पंचायत की उभरती हुई खिलाड़ी भूमि कुमारी, जिन्होंने अपने तमाम संघर्षों को दरकिनार कर राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन करने के साथ साबित किया है कि मन में लगन व दिल में उमंग हो तो सफलता पाने में परेशानियां बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। बगैर किसी सरकारी मदद के ही असम में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होकर भूमि ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा डीएवी खेल ग्राउंड में आयोजित स्वर्गीय रघुनाथ चौधरी मेमोरियल खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने आई भूमि कुमारी ने हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि यदि उन्हें भी अपनी प्रतिभा निखारने में सरकारी मदद मिले तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर सफलता का परचम लहरा सकती हैं। बरकाकाना से बसंत कुमार की रिपोर्ट। बच्चों को प्रशिक्षण दिलाने में आपको किन किन तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? वर्तमान में हमारे पास कोई वैसा ग्राउंड नहीं है जिसमें बच्चे लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। तो बच्चे लोग जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कटीली झाड़ियाँ और खेत, इन सब जगह पे बच्चों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी पहाड़ हो गया, ये सब जगह पे हम लोग बेसिक ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों को। हमारे पास कुल अभी 125 बच्चे हैं सिर्फ कंडेर गाँव में। सरकार की ओर से आपको किसी भी तरह का सुविधा मिल पा रही है या नहीं? वर्तमान में सरकार की तरफ से हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, बट उम्मीद करते हैं हम लोग कि आने वाले समय में कुछ इस तरह का सरकार हम लोग को सहायता जरूर। वेदांता ESL लिमिटेड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड। 3 लाख स्थानीय कार्यबल की मदद से ESL ने राज्य की प्रगति में दिया है अपना अप्रतिम योगदान। हमारे पहलों के माध्यम से सक्षम और सशक्त बनती हुई जिंदगियां 80% बेहतर झारखंड, आत्मनिर्भर भारत के लिए।